तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग की ट्रेनिंग का जो लेसन है वो है पीएचपी ट्रेनिंग विद माई सिंपल। आज हम पीएचपी की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे और वो भी माई सिंपल के साथ में। बेसिकली हमें एक चीज जानना होगा कि पीएचपी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, तो जो पहली चीज आती है वो है एडिटर। कभी भी पीएचपी पे ट्रेनिंग लेने के लिए हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी और वो एडिटर बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में जो विंडोज के साथ आता है वो है नोटपैड। यानी पीएचपी ट्रेनिंग के लिए हम नोटपैड के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएचपी लैंग्वेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए? दैट इज द पीएचपी लैंग्वेज। तो पीएचपी एज ए लैंग्वेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। बट पीएचपी के थ्रू जो भी हम कोडिंग करेंगे उसका कनेक्शन किसी न किसी डेटाबेस के साथ में होना चाहिए। तो हमारे सिस्टम में एक डेटाबेस भी इंस्टॉल होना चाहिए जहां पे हम वैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। केवल इतना कर देने से, यानी एडिटर लेने से, पीएचपी लैंग्वेज लेने से और एक वैम सर्वर इंस्टॉल कर देने से हम पीएचपी पे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते या पीएचपी की हम ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक वेब सर्वर चाहिए। यहाँ पे वेब सर्वर हम लेंगे अपाचे के रूप में। तो जो अपाचे हमारा होगा वह एक वेब सर्वर हो जाएगा। आई होप हमने नोटपैड को किस तरीके से यहाँ पे टेकअप किया है एज ए एडिटर। ठीक है, जहां पे हम कुछ टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे? पीएचपी के कोड को हम टाइप करेंगे और वैम सर्वर को हमने वैम सर्वर से पहले हमारे पास, चलिए एक चीज हमने गलत कर दी है, ये वैम सर्वर नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारे पास एक माई एसक्यूएल का सर्वर होना चाहिए। यानी हमारे सिस्टम में पीएचपी लैंग्वेज होनी चाहिए, माई एसक्यूएल का सर्वर होना चाहिए। माई एसक्यूएल सर्वर का यहाँ पे रोल क्या होगा? एज ए डेटाबेस सर्वर। क्या होगा? एज ए डेटाबेस सर्वर। यानी यदि यदि हम पीएचपी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इट इज वेरी सिंपल, पीएचपी की हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए नोटपैड, राइट, एक लैंग्वेज होनी चाहिए दैट इज द पीएचपी। उसके बाद हमारे पास एक डेटाबेस सर्वर होना चाहिए और वो डेटाबेस सर्वर हमारा क्या होगा? माई सिक्वल। और एक वेब सर्वर के रूप में हम क्या लेंगे? दैट इज द अपाची। सो अपाची इज अवर, आप हमारे साथ बोलिए, अपाची इज अवर वेब सर्वर। ओके, एंड माई सिक्वल इज अवर डेटाबेस सर्वर, एंड पीएचपी इज द लैंग्वेज, एंड नोटपैड इज द एडिटर। गुड। अब सवाल ये आता है कि हमारे सिस्टम में नोटपैड पहले से इंस्टॉल होगा, पीएचपी लैंग्वेज हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये एक लंबा वर्क हो गया। यह एक लंबा वर्क हो गया। इसे शॉर्ट में करने के लिए हम इन सब चीजों को अलग अलग इंस्टॉल ना करके हम कुछ वेब डेवलपमेंट टूल को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट टूल के रूप में हम यहाँ पे रखते हैं कुछ नाम है यहाँ पे, वैम, लैम एंड जैम। नाम हमने क्या दिए हैं? वैम, लैम एंड जैम। तीनों के बारे में हम थोड़ा आगे चल के डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। तो यहाँ पे हम इतना जाने कि वैम क्या है, क्योंकि जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। अभी को हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो विंडोज का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले हमें यह भी नॉलेज हो जाए कि एक्चुअली में ये प्लेटफॉर्म क्या है। प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? व्हाट इज द प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म के रूप में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो विंडोज हमारा क्या है? एक प्लेटफॉर्म है।
यदि हमारे सिस्टम में लिनक्स रन कर रहा है तो ये लिनक्स क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। यदि हमने एप्पल का मैक इंस्टॉल कर रखा है तो मैक हमारा क्या है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। यदि हमारे सिस्टम में सन सोलरिस रन कर रहा है तो ये सन सोलरिस क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो अभी हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे पास प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे पास क्या है, विंडोज, लिनक्स, मैक। ये मैक किसने बनाया था, एप्पल का जो सिस्टम आता है उसमें मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं मैकिंटोस इंस्टॉल किया जाता है। एंड ये क्या है, सन सोलरिस। तो अभी हमारे सिस्टम में क्या इंस्टॉल है, तो हमारे सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल है, ठीक है। और आपका सिस्टम में मे बी लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, सन सोलरिस हो सकता है। तो उसके लिए कौन कौन से डेवलपमेंट टूल हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो कोड है प्रॉपरली रन करेगा। सपोज दैट यदि हमने विंडोज का प्लेटफॉर्म दे रखा है तो हमें वहां पे वैम को इंस्टॉल करना होगा, वैम या फिर हम जैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि हमारा लिनक्स इन्वायरमेंट है तो हम वहां पे लैम या फिर जैम दोनों को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोसेस को ब्रेक किया जाए, हमारे पास क्या होना चाहिए, अपाची होना चाहिए। अपाची के बाद क्या होना चाहिए, MySQL होना चाहिए। MySQL के बाद क्या होना चाहिए, PHP होना चाहिए। यदि हम PHP में कोडिंग कर रहे हैं तो PHP की जगह पे और कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, दैट इज पर्ल। थोड़ा सा हम यहां पे ध्यान दें कि वैम का मतलब हुआ विंडो, हमारा एक प्लेटफॉर्म हो गया, डब्ल्यू फॉर विंडो, विंडो इज योर प्लेटफॉर्म, एंड ए फॉर अपाची, एम फॉर MySQL, एंड पी फॉर PHP, नॉट पर, दैट इज द PHP। यानी यदि हमने वैम इंस्टॉल किया है तो हम विंडो पे अपाची को, MySQL को और PHP को रन कर सकते हैं विंडो पे, राइट। यदि लैम्प हमने इंस्टॉल किया है तो हम लिनक्स पे अपाची, MySQL और PHP को रन कर सकते हैं। और यदि हमारे सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल है तो एक्स स्टैंड फॉर विंडोज आर लिनक्स आर मैक आर सन सोलरिस। यदि हमने अपने सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल कर रखा है तो यह जैम्प डेवलपमेंट टूल इन सारे प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। वैम्प यह केवल विंडो पे काम करेगा और यह केवल लिनक्स पे काम करेगा, जबकि जो जैम्प है वो विंडो पे भी काम करेगा, मैक पे भी काम करेगा, लिनक्स पे भी काम करेगा और इट्स गुड। तो व्हाई टू इंस्टॉल द जैम्प इन अवर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज इट सपोर्ट ऑल प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो जो हम अपाची अलग से इंस्टॉल करेंगे, MySQL अलग से इंस्टॉल करेंगे, PHP अलग से इंस्टॉल करेंगे या पर्ल अलग से इंस्टॉल करेंगे, उसकी जगह पे यदि हम चाहते हैं कि चारों हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैम। जैम का मतलब एक्स फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ए फॉर अपाची, एम फॉर MySQL, पी फॉर PHP एंड लास्ट पी फॉर पर्ल, ओके। यानी हमें डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब पेज बनाना, हमारा मकसद क्या है, डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना जिसके कोड सर्वर साइड में एग्जीक्यूट करे। तो हमें क्या चाहिए, PHP चाहिए या पर्ल चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे क्या किसकी ट्रेनिंग लेने वाले, PHP के। तो नॉर्मली हम जो अपने सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो है वैम सर्वर, ओके। इसके थ्रू जैसे हम वैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम में अपाची, MySQL और PHP ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, और हमारे पास एक एडिटर होगा ऑलरेडी नोटपैड जिसके थ्रू ये सारी प्रोग्रामिंग हम करेंगे। अब सवाल ये आता है कि वैम, लैम या जैम को हम कहां से इंस्टॉल करें, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए हम आपको एक वेबसाइट बताते हैं, वो है www.polyacity.com। इस वेबसाइट पर जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक sourceforge.net नाम का वेबसाइट है। अभी यहां पे हम देखें कि वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, वेब डेवलपमेंट
platform on Windows, Linux, Mac and Sun Solaris, allowing you to create dynamic web application. Okay. तो हमारे पास जेम्प इंस्टॉलेशन फ्रॉम सोर्स फोर्ज, जेम्प इंस्टॉलेशन फ्रॉम अपाची फ्रेंड, यानी जेम्प को हम अपाची फ्रेंड से इंस्टॉल कर सकते हैं और सोर्स फोर्ज से इंस्टॉल कर सकते हैं। लैम्प इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सोर्स फोर्ज से कर सकते हैं। वैम्प को हम वैम्प सर्वर से इंस्टॉल कर सकते हैं और सोर्स फोर्ज से इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी सोर्स फोर्ज एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे जो फ्री कम्युनिटी है वहां पे जितने ओपन सोर्स के टूल्स हैं ऑटोमेटिक वहां पे फ्रीली अपलोड किए जाते हैं, ताकि जिसको सी चाहिए, सी प्लस प्लस चाहिए, पीएचपी चाहिए, वैम्प चाहिए, जैम चाहिए, लैम्प चाहिए, वहां पे जाए और वहां से उसको इंस्टॉल कर दे। ओके, तो पार्टिकुलर आप वैम्प की उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और सोर्स फोर्ज पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं है, आप केवल अगर आपको जैम्प इंस्टॉल करना है तो केवल आप इस सोर्स फोर्ज पे ओपन इन न्यू विंडो कर दीजिए या आपको साइट पे लेके चला जाएगा। ऐसे करके हम सभी को न्यू विंडो में ओपन कर देते हैं। ओके, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि इन सब का जो सोर्स है वहां पे हम ऑटोमेटिक जंप करते हैं। जैसे यहां पे हम जैम प्रोजेक्ट में हमारा क्या है, जैम्प है और इस जैम को हम यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि जैम को डाउनलोड करते हैं तो हमें फैसिलिटी क्या मिलती है, जैम क्या है, तो इज अ वेरी इजी टू इंस्टॉल अपाचे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लिनक्स। ज्यादा पढ़ने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फीचर में क्या है, जेम इंस्टॉल करने पे अपाचे मिलेगा और बोलते रहे साथ में MySQL मिलेगा और भी चीजें मिल सकती हैं। ओके, बट जो बेसिक हमारा हमें तो तीन चाहिए ना, अपाचे चाहिए, MySQL चाहिए और PHP चाहिए, वो तो मिल गया, तो हम इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या इसी जेम को हम अपाचे फ्रेंड, ये हमारी apachefriend.org नाम की वेबसाइट है, यहां से भी हम जैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि जैम इंस्टॉल करेंगे तो बेनिफिट क्या है जैम का, कि यह लिनक्स पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा और सन सोलारिस पे भी चलेगा। दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज क्लियर। नाउ लैम्प की बात करते हैं, तो लैम्प को हम इस सोर्स फोर्स से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्प एप्लीकेशन सर्वर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में देखें LAMPAS, लैम्प तो है बट AS क्यों लिखा है, AS इज फॉर द एप्लीकेशन सर्वर, यानी लैम्प हमारा लिनक्स के लिए एक एप्लीकेशन सर्वर है, राइट, जिसकी मदद से हम PHP MySQL की कोडिंग को कर सकते हैं और इजीली अपने लिनक्स प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? नो प्रॉब्लम। गुड, हम बैम की ऑफिशियल साइट पे जाके भी बैम सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे फीचर्स और सारे टूल्स, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे दिया रहता है, चाहे तो यहाँ से, अगर हमारा सिस्टम 64 बिट का है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, 32 बिट का है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और एट लास्ट में एक रिजल्ट हमें नॉट फाइंड मिला है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको यदि हम हटा दें और इसको डबल हम क्लिक करें तो हम इसके सोर्स कोड की बैम सर्वर को सोर्स कोड से जहाँ डाउनलोड करेंगे हम वहां पे पहुंचे, यहां से हम वैम सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी वैम सर्वर को हमने बताया कि वैम सर्वर की साइट पर भी जाके कर सकते हैं और सोर्स कोड की साइट पर भी जाके कर सकते हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो हम इसको हटाते हैं। तो बेसिकली हमें यह समझ में आ गया कि यदि हमें पीएचपी की ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे सिस्टम में क्या इंस्टॉल होना चाहिए, अपाची, MySQL और पीएचपी इंस्टॉल होना चाहिए। इनको हम अलग अलग ना इंस्टॉल करके हम वैम्प, लैम्प या जैम्प जैसे किसी भी एक टूल को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में उसको सर्वर बना सकते हैं। जैसे हम वैम्प को डाउनलोड करेंगे हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक एक डेटाबेस सर्वर आ जाएगा, ऑटोमेटिक एक वेब सर्वर आ जाएगा, ऑटोमेटिक पीएचपी की कोडिंग वहां चलना शुरू कर देंगे। ओके, तो यदि कोई कहता है कि मैंने जैम्प का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आपके जहन में कौन सी बात जाएगी, कोई बात नहीं, उसने एक टूल लिया हुआ है जिसकी मदद से ऑटोमेटिक अपाची MySQL PHP ऊपर उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, केवल अपाची PHP और MySQL चाहिए, जो हमें बैंक में भी मिल जाएगा और जैम्प में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म विंडो है इसलिए हम अपने सिस्टम में ऑलरेडी क्या डाउनलोड किए हुए हैं, बैंक,
विंडो अपाचे MySQL और PHP। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से हम एक न्यू फाइल को लेते हैं। यहां पे हम टाइप करते हैं वैम। तो ऑलरेडी हमारा वैम सर्वर यहां पे दिखा रहा है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने वहां पे ओपन किया, हमें यहां पे वैम का आइकन दिख रहा है। अभी हमारा सर्वर दिखा रहा है ऑफलाइन है। हमारा सर्वर क्या दिखा रहा है? ये वैम का आइकन है और ये दिखा रहा है कि ये ऑफलाइन है, राइट। थोड़ी देर में यह ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑनलाइन होने तक का वेट करना होगा। अब इसमें तो हमें कुछ डिस्कस नहीं करना है अपने इस अपने शेड्यूल पे, हमें तो कुछ डिस्कस करना नहीं है पीएचपी टेरिंग विद MySQL में, क्योंकि हम हमारे पास एडिटर भी है, हमारे पास लैंग्वेज भी है, हमारे पास MySQL मतलब डेटाबेस सर्वर भी है और हमारे पास एक वेब सर्वर भी है। प्लेटफॉर्म के रूप में हमने क्या यूज किया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने टूल में क्या इंस्टॉल किया है? वैम। अब देखें, हमें सबसे पहले वैम की टेस्टिंग करनी होती है। अपना पीएचपी कोड लिखने से पहले हमें क्या करना होता है? टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। हम यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पे हमें एक हमारे कंप्यूटर पे एक लोकल होस्ट मिलता है। यहां पे देखें क्या मिल रहा है, हमें लोकल होस्ट मिल रहा है और उसके तहत यहां हमें वैम सर्वर मिला हुआ है। इट्स गुड। ये मैसेज आने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पीएचपी है, जो MySQL है, जो अपाची है, वो प्रॉपरली रन कर रहा है। इसको बेटर वे में टेस्टिंग के लिए हम यहां पे टाइप कर सकते हैं पीएचपी इन्फो, और जैसे हम इंटर करेंगे, अभी हमारे पास कुछ ओपन नहीं हुआ, पीएचपी इन्फो का यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो पीएचपी के अबाउट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी सेटिंग, जो भी फीचर्स है, हमें यहाँ पे दिखाई देता है और एक एक करके हम उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ज्यादा सीखने के लिए इसके फीचर को जानना जरूरी होता है, ओके, जो मैनुअली एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए। तो ये हमारा फीचर काम कर रहा है। हम बैक चलते हैं। अब इसके बाद पीएचपी माय एडमिन वैम सर्वर हमें पीएचपी माय एडमिन नाम का एक टूल देता है। हम पीएचपी माय एडमिन पर क्लिक करते हैं। यदि ये ओपन हो जाता है, इसका मतलब हमारा यह सर्वर प्रॉपरली रन कर रहा है, ओके। और ये है हमारा पीएचपी माय एडमिन का कंट्रोल पैनल। अब हम पीएचपी माय एडमिन के कंट्रोल पैनल में हैं, जहां पे हम डेटाबेस बना सकते हैं, सीक्वल की क्वेरी रन कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, यूजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेटिंग सिंक्रोनाइज पैनल लॉग रिप्लिकेशन और बहुत सारी चीजें यहां पे दी, ओके। तो फिलहाल हमें पीएचपी के बेसिक पार्ट को अभी जानना है, जहां पे पीएचपी कैसे, पीएचपी कोड कैसे लिखा जाता है, उसकी कोडिंग कैसे काम करती है, सब चीजों के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। ये हमने देख लिया कि यह हमारा प्रॉपरली रन कर रहा है। इट्स ओके, इसको हम बंद करते हैं। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव पे। जब हमारा वैम इंस्टॉल होता है तो यहां पे अपना एक फोल्डर बनाता है जो हमें वैम के रूप में दिख रहा है, ओके। फिर से एक बात ध्यान दें, हम सी ड्राइव पे वैम नाम का एक फोल्डर देख रहे हैं। इसको क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर और बहुत सारी फाइलें हमें दिखाई दे रही हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फाइल है, फाइल की जगह पे जो इम्पोर्टेंट फोल्डर है वो है www। ये www हमारा क्या होता है? एक
रूट फोल्डर होता है। www क्या होता है रैम के लिए? रूट फोल्डर। अगर यहीं पे हम यूज करते जैम्प को यूज करते जो एनी प्लेटफॉर्म पे काम करता है तो हमारे रूट फोल्डर का नाम बदल जाता और वो क्या होता htdocs। क्या होता htdocs। बात समझ में आ रही है? अभी हमें हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो भी काम करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर करेंगे www फोल्डर के अंदर करेंगे। अगर बाहर करेंगे वो रन नहीं करेगा। तो जब इसके अंदर जाके काम करेंगे और वो रन करेगा तो ये हमारा रूट फोल्डर हो गया। अगर जैम्प होता अभी क्या हम यूज करें वैम्प। यदि वो जैम्प होता तो रूट फोल्डर का नाम बदल जाता क्या होता htdocs। तो जो हम वहां पे प्रोजेक्ट बनाते वो कहां बनाते htdocs के अंदर बनाते। ओके तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। हम कुछ चीजों को डिलीट कर दें। अब हमारे पास केवल दो फाइलें हैं। इन दो फाइलों की वजह से वहां पे PHP इनको वर्क कर रहा था। ओके तो टेस्टिंग के लिए बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। इन्हें हम एज इट इज रहने दें। ओके अब हमारा काम होता है कि हम अपने इस नोट पैड के अंदर कोड लिखते हैं। तो PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। PHP के लिए एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ध्यान दें, ये हिस्सा हमारा PHP का ओपनिंग टैग है और ये हिस्सा हमारा PHP का क्लोजिंग टैग है। PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो HTML के साथ इजीली इंडेट हो जाती है और वर्क करती है। ओके अब जो भी हमें कोडिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सारी कोडिंग हमें ये बीच में करना पड़ेगा। ओके इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? तो एक सिंपल सी हम कोडिंग यहां पे करके देखें। पहला इसका जो एक स्टेटमेंट होता है वो है इको। हम स्पेस दे देते हैं इको के बाद और हमें लगाना पड़ता है डबल कोट। और डबल कोट के बाद एक हमें लगाना पड़ता है टर्मिनेटर। व्हाट इज दिस? टर्मिनेटर सेमीकोलन है, इसको हम टर्मिनेटर के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा कुछ भी इको कराने का PHP के अंदर सिस्टम होता है। जो भी इको कराना है हम इसके अंदर लिखते हैं, कोड के अंदर लिखते हैं। ओके जैसे PHP 12 वेलकमिंग आवर PHP 12। हम इसको सेव कराते हैं। ध्यान रहे जैसे इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे ये अभी कहां जा रहा है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ना जाके इसको कहां भेजना है हमें? सी ड्राइव के अंदर, www मतलब बैम के अंदर। किस फोल्डर में? www फोल्डर। और यहां पे इस फाइल को हम सेव करेंगे training.php। लिखना जरूरी है यानी जो हमारे PHP में जो भी हम कोडिंग लिखते हैं उसको सेव करते समय हमारे एक्सटेंशन का नाम क्या होता है? .php। ओके यदि हम सेव एज टाइप जहां पे लिखा हुआ है यदि हम PHP में सेव करते हैं तो वो फाइल हमें रन नहीं करेगी। इसको हमें ऑल फाइल्स के अंदर सेव करना पड़ेगा। दिस पार्ट इज क्लियर? अभी क्या है कि हमने यहाँ पे PHP लिया तो ऊपर जितनी फाइलें थी गायब हो गई और हमने यहाँ पे ऑल फाइल्स किया यानी सारी फाइल को सपोर्ट मिलेगा और PHP की भी फाइलें दिखाई देने लगी। इसको हम सेव करेंगे और यह हमारा सेव हो गया। अब चेक करते हैं कि यह रन करता है कि नहीं। हमें अपना सबसे पहले लोकल होस्ट सर्वर ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट। अपने URL पे क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट। इंटर करेंगे तो ये आ गया। स्लैश दीजिए। हमारी फाइल का नाम क्या था? training.php। जैसे हम अपनी फाइल का नाम लिख के इंटर करेंगे देखिए कुछ गलती हुई है। अपने हम रूट फोल्डर में वापस चलते हैं।
अभी जैसे हम अपने प्रोग्राम में training.php लिख रहे हैं तो यहाँ पे नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। इसका मतलब हमारे कोडिंग में या हमारे सेव करने के तरीके में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हमें एक बार उसको चेक करना चाहिए। जैसे हम www रूट फोल्डर के अंदर हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे training.php तो है, बट हमारी फाइल php फाइल ना होकर के txt फाइल है। अगर यह txt फाइल है तो ये रन नहीं करेगा, हमें इसे php फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम सेव एज करते हैं और हमें केवल यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे ऑल कर देना है। ऑल करने के बाद जैसे इसे सेव करेंगे तो ये रिप्लेस होने के लिए बोलेगा, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर सकता है। पुनः हम इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार पुनः चेक करते हैं हमारे कोडिंग में कोई अगेन प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी भी हमारा यहाँ पे txt के रूप में सेव दिखा रहा है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सबसे पहले फाइंड आउट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि जब तक ये हमारी फाइल php फाइल के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक ये हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। यह बेसिक प्रॉब्लम है जो आता रहता है। पुनः इस पूरे कोड को हम कॉपी करते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं और उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको जब हम सेव करेंगे तो www रूट फोल्डर के अंदर जाएगा और इसका नाम देते हैं test.php। क्या नाम दिया हमने? test.php और ऑल फाइल्स हमने रखा, ओके, और सेव कर दिया। अपने रूट फोल्डर को चेक करते हैं। अब देखिए हमारी ये php फाइल बन गई है test.php, ओके, इट्स राइट। इस फोल्डर इस फाइल को हम मिटा देते हैं। हमारे सेव करने के तरीके में प्रॉब्लम है। अब इसने क्या ले लिया, test.php। अब यह हमारा रन करेगा। हम इस अपने एड्रेस को मिटाते हैं और यहाँ पे पुनः लिखते हैं test.php। कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, ओके। और जैसे हमने इंटर किया, वाह, ये लिख के आ रहा है वेलकम इन अवर php ट्रेनिंग, यानी फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट हमारा कोड रन कर दिया। इसके अंदर यदि हम किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा वेयर वी विल लर्न php एंड MySQL, वेयर वी विल लर्न php एंड MySQL विद Apache एज अ वेब सर्वर। इसको हम सेव करते हैं। सेव किया और अपने इस प्रोग्राम को रिफ्रेश किया। अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है लाइन नंबर 2 पे, इसको चेक करते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है कोड को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमने डबल कोट दिया है और यहाँ ये लाइन हमने डबल कोट के बाहर लिखी है, यानी इस डबल कोट के बाहर जो भी लाइन लिखी गई लिखी जाएगी वो इंटरप्रेट नहीं होगी, ओके, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमें php कोई एरर दिखाएगा। तो हमें क्या करना है इस एरर को सॉल्व करने के लिए, केवल यह हमें हटाना है और इस चीज को कहाँ पे लेके आना है, एट लास्ट पे। इसको अब हम सेव करते हैं। ये हमारा php का बेसिक है, ये प्रॉब्लम हमें आती है, इसको हमें सॉल्व करना सीखना होगा, ओके, तब जाके हम php पे अच्छा ट्रेनर, अच्छा डेवलपर अपने आप को बना पाएंगे। इसको पुनः हम रिफ्रेश करते हैं अपनी कोड को और वाओ, दिस इज द रिजल्ट। अब हमारे सामने यह रिजल्ट दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस लाइन में ब्रेक आ जाए, जैसे कि
वेलकम इन अवर पीएचपी ट्रेनिंग, इसके बाद हमें एक ब्रेक मिल जाए। समझने की कोशिश करें, हम चाहते हैं कि इसके बाद ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन में आए, तो इस चीज को हम कैसे रन करा सकते हैं, इसके लिए हमें कोडिंग में क्या चेंजेस करने होंगे। प्रकाश जी, कैन यू टेल मी? इसके लिए हमें अपने कोड में जाना होगा और अपने कोड में आकर के जहां से हमें ब्रेक लगाना है, यहां पे हमें ब्रेक लगाना है, तो हमें एक br टैग देना होगा। क्या देना होगा? क्या ऐसा करने से हमें ब्रेक मिल जाएगा? चेक करते हैं अपने कोड को। अब हमारा कोड इंटरप्रेट होगा और रन करेगा। वाह, हमें एक ब्रेक मिल गया। इसका मतलब HTML जो हमने सीख रखी है उसका भी कोड अंदर, डबल कोड के अंदर काम कर रहा है। अब हमें इसको एज ए हेडिंग रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने कोड में आएंगे और इजीली अपने HTML के H1 टैग को ओपन करेंगे और इस जगह पर आके H1 टैग को क्लोज कर देंगे। ये आप स्लैश लगाना ना भूले, इसको सेव करें और इस तरीके से हमें मिला एक हेडिंग। हेडिंग के बाद हम एक HR रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके बाद हम एक HR रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे कोड कहां लिखे जा रहे हैं? इनवर्टेड कॉमा के अंदर। और ये भी काम कर रहा है, हम इस पे विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। HR इसकी जो विड्थ है वो हमने 100 उसको हमने 50 कर दिया, 50%। और जो इसकी हाइट है उसको हमने 5 कर दिया। और इसके अंदर जो कलर है वो कलर हम क्या रख दें, यहाँ पे कुछ भी जो हमें पसंद है, जैसे हमने यहाँ पे एज ए नॉर्मली ब्लू कलर दे दिया। और सेव करते हैं, पर अपने कोडिंग को एक बार पुनः देखें। हमने यहाँ पे HR के लिए विड्थ दे रखा है 50%, हाइट दे रखा है 5%, कलर दे रखा है ब्लू। और अब ये हमारा कोड वर्क करता है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। रिफ्रेश करें और हमारे सामने एरर आ गया। एरर कहाँ है? लाइन नंबर 2 पे। हमें चेक करना होगा कि वो एरर क्या है। लाइनों को हम अलग अलग कर लें, इस ब्रेक को अलग कर लें। इको हमने यहां से करा रखा है H1 वेलकम इन अवर PHP ट्रेनिंग, उसके बाद H1 को हमने क्लोज किया है, उसके बाद हमने HR पे विड्थ लगाया हुआ है, इसको एक बार हम क्लोज करते हैं। अभी लाइन नंबर 4 पे हमें एरर मिल रहा है। इतने कोडिंग लाइन को हम खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं अभी भी कोई प्रॉब्लम है यहां पे, अभी भी प्रॉब्लम है। अब हमने इसको नॉर्मल कर दिया, पहले जैसा था, अब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, यानी एक्स्ट्रा कोडिंग को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, आगे चल के हम चेक करेंगे कि इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। इस तरीके से हम इको के लिए कोई सा भी लाइन, कितनी भी लाइनें हम इको करा सकते हैं। इसके कोड को और हम छोटा करते हैं,
अब हम बेसिकली इनको कराना चाहते हैं कोई नंबर, तो हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हम इनको कराना चाहते हैं उसे भी हम इनको करा सकते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 नंबर यहां पे इनको हो गया। हमें लाइन में ब्रेक चाहिए, यदि हम यहां पे बाहर इस टर्मिनेटर के बाहर कोई ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक बार हम ब्रेक लगा के देखें, बी आर ब्रेक ये वर्क करेगा और इसने वर्क किया। ओके आर यू स्लीपिंग, यू स्लीपिंग। हमने यहां पे टेक्स्ट को भी इको करा दिया और किसी नंबर को भी इको करा दिया। अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, हम चाहते हैं जो डेटा हमारा डिस्प्ले कर रहा है वो पहले कहीं स्टोर हो, तो उसके लिए पीएचपी में हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है और जो वेरिएबल होता है उसकी स्टार्टिंग हम डॉलर साइन के साथ करते हैं। ओके और वेरिएबल का जो नाम है उसको हमें किसी न किसी लेटर से शुरू करना होता है, यानी जैसे पीएचपी हमने एक ये वेरिएबल बना दिया PHP. हमने दूसरा वेरिएबल हम यहां पे बनाते हैं तीसरा वेरिएबल बनाते हैं यहां पे ये हमारे अलग अलग वेरिएबल है या सेम वेरिएबल है? ये हमारे अलग अलग वेरिएबल है क्योंकि पीएचपी हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये स्मॉल पीएचपी को अलग वेरिएबल मानेगी, कैपिटल पीएचपी को अलग वेरिएबल मानेगी और अंडरस्कोर पीएचपी को अलग वेरिएबल मानेगी। यानी यदि हम पीएचपी में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो विदाउट वेरिएबल दैट इज नॉट पॉसिबल, बिना वेरिएबल के वो पॉसिबल नहीं होगा। हम जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हमें पीएचपी का वेरिएबल लेना पड़ेगा और वेरिएबल का स्टार्टिंग हम किसी न किसी लेटर से करते हैं या अंडरस्कोर से करते हैं, नंबर से हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ओके अब हम अपने वेरिएबल को यहां वैल्यू भी दे सकते हैं इक्वल टू, अगर हमारा वेरिएबल कोई टेक्स्ट है कोई स्ट्रिंग है तो हमें डबल कोट के अंदर देना पड़ेगा। डबल कोट के अंदर देने का मतलब जैसे हमने लिखा यहां पे प्रकाश पांडे, राइट, हमने यहां पे लिखा प्रकाश पांडे, तो प्रकाश पांडे क्या है, स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर है। ओके लेकिन हम यहां पे यदि कोई इंटीजर देते हैं तो यह हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डबल कोट की जरूरत नहीं पड़ती, या इसको भी हम वैल्यू दे सकते हैं, यह भी हमारा किस तरह की वैल्यू है, एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। ओके जो फ्लोट वैल्यू है उसको भी हमें डबल कोट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी तरह की हो उसके लिए हमें डबल कोट नहीं लिखना पड़ता। लेकिन याद रहे जब भी हम कोई स्ट्रिंग को शो कराना चाहते हैं या वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हमें डबल कोट देना पड़ेगा। दिस पार्ट इज क्लियर। तो इससे क्या होगा, हमने वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल को वैल्यू दे दी और अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश भी कर दिया, तब भी हमें कोई अंतर नहीं है। ओके इसलिए ये वेरिएबल इस वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं, जितने भी वेरिएबल हमने बना रखे हैं वो अपने पार्टिकुलर वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। अगर इस वैल्यू को हम देखना चाहते हैं तो हमें कमांड देना पड़ेगा एंड दैट इज द इको, इस वेरिएबल की वैल्यू को देखना चाहते हैं डायरेक्ट हम उस वेरिएबल की वैल्यू को लिख देते हैं। जैसे हमने पीएचपी स्मॉल पीएचपी का देखना चाहते हैं, यहां पे हमने लिख दिया स्मॉल पीएचपी, टर्मिनेट किया, पुनः हमें लिखना पड़ेगा इको कैपिटल पीएचपी और एक हमने क्या दे रखा है
इसको सबसे पहले तो हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, डॉलर अंडरस्कोर पीएचपी, दैट इज द स्मार्ट। जानबूझ के हम यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, इसका जो टर्मिनेटर है उसको छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, इंटरप्रेट करता है या नहीं, और हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन वैल्यू दिखा रहा है। प्रकाश पांडे 1, 2, 3 एंड 20.5 सारे वैल्यू को हमें दिखा रहा है, हमें यहाँ पे टर्मिनेटर लेना होगा। अब इसके लिए हमें बी आर टैग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तीनों वैल्यू को अलग अलग सेपरेट करने के लिए। अगर इसके बाहर हमें बी आर टैग लगाना है, सपोज दैट यहाँ पे हम बी आर टैग लगाना चाहते हैं, तो जैसे हुआ पहले हमने बी आर टैग लगा रखा था, अगर ऐसे हम बी आर टैग यहाँ पे लगाते हैं दोनों वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, देखिए हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है या इंटरप्रेट होता है, ये देखिए प्रॉब्लम आ गई, यानी पीएचपी ने तुरंत इधर शो किया। तो पीएचपी के काम करने का जो रूल है उसे हमें फॉलो करना होगा, इसे यह एक अलग वैल्यू मानता है और इसे यह एक अलग वैल्यू मानता है, ठीक है। तो दो वैल्यू को एक में करने के लिए हमें डॉट, एक कंकैटिनेशन डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ता है। क्या केवल डॉट ऑपरेटर लिख देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? फर्स्टली वी हैव टू चेक दिस, हमने सेव किया और रिफ्रेश किया, अभी भी हमारी प्रॉब्लम 14 लाइन पे बनी हुई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे डबल कोट देना पड़ेगा और इसके बाद भी हमें एक डबल कोट देना पड़ेगा। अब चेक करते हैं अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, इसको हमने रिफ्रेश किया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और प्रकाश पांडे हमारा सेपरेट हो गया, बट अभी भी दो वैल्यू हमारी एक साथ मर्ज है, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इस कोड को जो का त्यों नीचे वाले कोड में कॉपी कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे भी हमने इसको पेस्ट किया और सेव किया और ये हमारी वैल्यू सेपरेट मिल गई। प्रकाश पांडे के वैल्यू को हम सेपरेट करना चाहते हैं, इट इज ऑल्सो टू मच इजी, उसी कोड को हम यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हमने सेव किया और अपने प्रोग्राम को हमने रिफ्रेश किया और सारी वैल्यू हमें सेपरेट मिल गई। ओके, इन दिस लेसन, इन दिस पीएचपी बेसिक ट्रेनिंग, इट्स एनफ। इसमें इसके रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि पीछे हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में जिक्र किया था, लैम्प, जैम, वैम एंड अदर मच मोर, आपकी क्वेरी इनवाइटेड होगी। ओके, नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे बेहतर तरीके से वेरिएबल, लोकल वेरिएबल पे काम करना, ग्लोबल वेरिएबल पे काम करना, ग्लोबल एरे पे काम करना। ओके, और साथ ही साथ इफ इल्स जैसे स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर दिस लेसन।